देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात् नमस्ते साप्ताहिक कार्यक्रम वेद की शिक्षा में आप सब लोग के अभिवादन करे थे जा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कि आप जहाँ भी हुई जैसे भी हो स्वस्थ हो तंदुरुस्त हुई भाई बहन लोग वेद की शिक्षा है मानव मूल्य से जुड़ल कार्यक्रम है जो वेद के विषय से हमने चुनी ला जा एगो धार्मिक कार्यक्रम नहीं है ये आप लोग खातिर मानव मूल्य से ओत प्रोत प्रोग्राम है आप लोग के प्रश्न मिलल खत मिलल फोन कॉल्स आवेला एक खातिर बहुत, बहुत बहुत धन्यवाद और आज हमनी के जान के बहुत खुशी होता थे कि के बीच ढेर कोई ऐसा बा जो वेद के बारे में जाने खोजाता थे वैदिक शिक्षा के बारे में जाने खोजा तो अनजा कुछ लोग ऐसा सवाल भी पूछते हुए अनजा कि वैदिक शिक्षा कहाँ मिले पर मिलेला भोजपुरी चैनल पर तो मिले था पर एक अलावा कहाँ मिलेला शायद एकर जवाब जोन बा हमने की अतिथि दिए थोड़ी देर में और आज जो विषय पर बात करब जा वो एगो बहुत ही ऐसा एगो विषय है जो सबके चेहला ध्यान से देखे के सुने के ग्रहण करे के मनन करे के श्रवण के आज के हमने के अतिथि हवन आचार्य सुनील जी जो आघवन आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा मनुष्य से आचार्य जी नमस्ते भाई धर्म जी नमस्ते और जितना दर्शक लोग बाव, सब कोई के हाथ जोड़ करके नमस्ते बोला हैं आचार्य जी तुहर तो उपस्थिति ही जो बातें जब तुहर तो प्रोग्राम चलेगा तेजे रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ जाला कहे कि इतना विस्तार से समझावेला और आज वेद के जोन परे बा हम तनी उलाटे लगनी वेद हम भी अब हमरो रुचि बढ़ गल सबसे पहला सवाल तोहार से पूछा हमन के दर्शक लोग के प्रश्न है कि वैदिक शिक्षा कहाँ पर मिलेला देखा वैदिक शिक्षा जोन वो सबसे पहले तो वेद में मिले ला। और अधिक जानकारी खातिर विशेष रूप से इंटरनेट में भी सगवा जाए जब वेद तप्य में वेद लिखब तब बहुत सारे स्थिति जोन ह जो वेद की शिक्षा पर तोहरा तुहरा दी तब बहुत बा और जब भी कोई भी विषय आप जाने जान विषयवा के लिख द थोड़ा सा और विषय के जितना भी जानकारी हा, तो हर इंटरनेट के जरिए तो हर सामने चलाए तो अभी इंटरनेट के दुनिया बा हालांकि बहुत से लोग पुस्तक नहीं लाइब्रेरी से निकाल के पढ़े या खोले पर आ, भी है न कि शायद ढेर कोई संस्कृत के जो बातें पढ़ाई नहीं कर लेबा और वही से जा कि जान के ज्यादातर जो धर्म के ग्रंथ या वेद बा उकर भाषा के कारण ढेर कोई उ नहीं सकल ग्रहण करे ते आज भाषा बदल गल बा भाषा तो वही हाँ यानी कि हमारे बोले संस्क्रित? के अर्थ ये हा अल्फाबेट में बा अंग्रेजी में बा या हिंदी में बा हाँ जो वेद के मूल लिपि हा उ समझिए देवनागरी अक्षर में बा और देवनागरी अक्षर के जाने खातिन चाहना पढ़े के जाने के जैसे कि रोमन लिपि तो रोमन लिपि में हमने बहुत चीज़ जान पर सी ओकरे व्यवहार में अधिक ला हन है अपन जीवन में व्यवहारिक तो रूप से रोमन लिपि जो है उ सर्वत्र देश विदेश में चला था और है लिपि से ती दूर है सही खातिन जकर से जितना दूर उतना ओकर बारे में कम जानकारी रखबह स्थिति में यदि मान लिया जाए कि रोमन लिपि के जरिए जाने खोजबा तो भी वेद छप गलबा जहाँ पर रोमन लिपि में उ चीजबा बा और अंग्रेजी या अन्य भाषा में ओकर अनुवाद भी बा आचार्य जी इ खातिर बहुत बहुत धन्यवाद और हम तौर से आज जो विषय पर सवाल करे के है उ एगो बहुत जैसे मनोरम विषय है क्या कि हम जब से होश सम्भल हैं जानते हैं माँ हमेशा जो बात संस्कार के बात करते रह हमेशा के बोलत रहा जान ली मुँह भात खियाबेला मुँह लात खियाबेला तब हम बोली कैसी ये होई तब गली जनी तो स्टडी करे गहनता के साथ एक जो बात पढ़ाई कर ली इत्यादि फिर वेद में जमको एगो ऐसा विषय मिलल जो वाणी के पवित्रता तो तोहर से पूछती सबसे पहले वाणी का है और वाणी के पवित्रता का है स्थिति में बहुत सारे लोग भी एक बारे में प्रश्न पूछे ला प्रश्न पूछले होवन जा और कबो तोहरों से पूछ ले जा त तो आज चर्चा करप सर विशेष रूप से वेदी पर और ऋग्वेद के जो दसवां मंडल है और इकहत्तरवा जो सूक्त ओकर में देजिया मंत्र मतलब कि दूसरा जो मंत्र है वाणी के बारे में बहुत गंभीरता से विचार देवेला याद रखिय कि पूरा संसार चलता बोली से पूरा संसार चलता शब्द से यदि इतिहास के पन्ना उलाट के देखब तक ऐसा समय रहल कि मनुष्य जुनबा बुलत लंजा कि जानवर के रूप में रली जा फिर भाषा से हमें इंसान बननी जाए, यानी कि सकली जा कम्युनिकेट करे, यानी कि जो ध्वनि हमारे मुँह में से निकला था, तो हर कान तक तकावत थे ओके भाषा बोलल जला पर शायद यही बोल जा कि जब प्रिमेटिव मैन रहल, ओकर लगे भाषा नहीं रहल, वाणी नहीं रहल। नहीं, वाणी के जो वरदान है मनुष्य के प्राप्त सृष्टि के प्रारंभ से ही और परिमार्जित करे के मतलब कि ओकरा मंजे के ओकरा शुद्धता लाए के ओकर में पवित्रता लाए के एगो दूसर कर्म है मानिया जाए कि पक्षी भी या कोनो पशु भी एगो स्थिति में रहेला मानिया जाए कि एगो डर की स्थिति में रही तो आवाज़ दूसर का हो जाला पक्षी के पकड़ के अपन हाथ में रखी समझिए कैद में डालत हुआ तो चिकरेला तो का है जितना अन्य पक्षी बा चीख के माध्यम से ओकरा कि बचाओ बचाओ था समझ मुझे भी बचाओ था, था। एगो अपन आप में एगो अभिव्यक्ति है हापेश हा एक्सप्रेशन हा। बोली सब में हा। एगो गुंगा भी बोले के कोशिश करेला परंतु कहे कि ओकर में ह शब्द के व्यवस्था नहीं होल उ खातिर अपन संकेत करेला मैं कुछ चीज़ बोल नहीं सकेला मैं वाणी के जो वरदान वो मनुष्य के प्राप्त होला अन्य जो जीव जंतु ओकरो में अभिव्यक्ति करे के बा चिल्लाई के या अन्य अभिव्यक्ति जैसे वो के, के कुत्ता भोंकेला हाँ मैं परिमार्जित जो भाषा ह जो शब्द के माध्यम से प्रयोग होला और जकर में हमने पवित्रता लाए के कोशिश करी लासन सन त भाषा बोलबा और कहा जाता कि भाषा त समझिए अक्षर शब्द से निर्मित होलबा और बनैले बनैले आज समझिए जब बोलप सन संस्कृत त संस्कृत के मजा शुद्ध पवित्र और ऐसा एगो भाषा जो शुद्ध परिमार्जित पहले से ही रहल और सृष्टि के, के प्रारंभ में जो प्रथम भाषा हू तो वेद के भाषा हमे बोल जा वैदिक भाषा और बहुत पुराना हा, और प्राचीन काल में ये संस्कृतवा से लौकिक संस्कृत आल जब बोलत हुआ कि वाणी के बाद जब करत है जा और ई बा वैदिक भाषा में से आवेला ये वाणी कहूँ ना कहूँ को मंत्र हो यानी कि कोनो जैसे कि बोलक ऋग्वेद के दसवा मंडल के सूक्त इकहत्तरुआ में जो बातें मंत्र पावल जाला तो हाँ। उ मंत्र के बारे में हम जरा समझाओ हाँ। देखा जो मंत्र बा विशेष रूप से मंत्र प्रारंभ होता सक्तुम इव तित उना पुनंतु यत्र धीरा मनसा वाचम अक्रतः अत्र सख्यानी जानते भद्रैशाम लक्ष्मी निहिताधिवाची अच्छा इस सब मंत्र के सब भी आज गाप गपसन नहीं गा के हाँ, नहीं, नहीं, लेता हुआ हाँ उ एगो दूसर दिन रखबसन में मंत्र चाहे ला उच्चारण करे के मंत्र जोन बा विधि विधान के अनुसार छंद के अनुसार गावल जा अच्छा। सक्तुम युवा तीता उना जोन बोला था कि सबसे पहला शब्द कौन ची आल बा सक तुम इब दूसरा शब्द बा तीता उना दोनों के वो बड़ा गहरा संबंध बा तीता था कि जब मिर्ची के बता तीता लगे हा तो शायद ये होई हो नहीं।, नहीं हा हाँ। अब बोला था तुम इब जैसे सतु सतुआ देख ले अनेक प्रकार के दाल हाँ, पीस के चीनी डाल के में थोड़ा गुड़ या चीनी या मधु मिला के ओकरा सेवन कर मतलब कि जो जेकरा पीस के एकदम महीन कर सत्व कर देला मतलब कि ओकरा महीन कर देला और समझिए पाउडर के रूप में अब इसे बोला जाए राफिने राफिने कर दिल ओकरा राफिने कैसे होई सत्तू के जब पीस देला तब गाफिन कैसे आई चाहना माओ आने की बड़ी आसान सवाल पूछल हमारे हम तो छोटा से चलनी के इस्तेमाल कर हाँ। कि जब ले तब वो चलनी के चाह लेके छाने के तब जन महिंदा वो निकल अब बतावा कि दूसर शब्द अब जो उना वा एक अर्थ क्या होल तो सद चलनि होते अर्थात तीता उना के अर्थ होगल चलनी अर्थात जब सत्य बोली और पवित्रता के बारे में बतैली आप स्वयं बोल देला कि एगो चलने की आवश्यकता रही हाँ तो जैसे कि बोलत हुआ कि वाणी जो है सत्वा लेखल है जैसे पिशीला जा हाँ. और जो न वाणी है जो ना चलनी नहीं यानी कि ओके चला चाली के, हाँ। चल, के, के, के लेकिन हैजा चलनी से सत्तू के चलबा लेकिन हैजा परी वाणी के कुंज से चलबा जैसे अन्न के जब पीस के ओकरा सत्तू बना देला सन मतलब कि ओकरा काफी कर देला सन मतलब कि ओकरा एकदम पाउडर के रूप में चलाए सन ता सीधा ओकरा ग्रहण नहीं केला सन बल्कि एगो चलनी डाली ला सन ताकि उ छनाई याद रखिया कि जब तक हमनिग अपन वाणी में तीता ऊना अर्थात चलनी नहीं डाल सन तो जो वाणी निकल के आई तो कुछ भी सकी निकले तो आचार्य जी अब चलनी तो अपने आप में बड़ा कि चलनियाँ किस जाए जा? कौन चलनी की बात कर तू हजा परी मतलब कि वाणी के जो पवित्रता है जब भी हमनिक चलनी के बाद बोला बोलत जा तो याद रखिया कि एगो चलनी सामान्य रूप से जो सत्तू छाने के हा। मैं जो हाइजा के जो न... छलनी दाल के निकाला सन तो ज्ञान है मतलब कि जो ज्ञान हमने ग्रहण का इलासन जो विद्या हमने ग्रहण का इलासन तो ओकरा समझिया कि व्यवहारिक रूप में प्रैक्टिकल रूप में आने की आ, तो जब कि भी हम भी वाणी निकल बा, तो सोच समझ करके हमने यानी कि सूझबूझ जान के प्रयोग करके जान के निकल गया हाँ उसे बोला कि पानी पिया छान के संगत करा जान के और शब्द भी निकाला छान के छान के अर्थात जब हमने वाणी के जब निकाली लासन सन तब जब वाणी के को वाणी के निकल बा, कोई से बातचीत होता या कोई क्रोध में बा कुछ निकाल देवेला वाणी से मैं बोला था कि यदि बूझ से अर्थात हवजा पर ही चलनी कौन हो जाए जैसे सत्तु के छलनी अलग तब वाणी के छलनी कौन हा है बोला था और बूझ अर्थात व्यक्ति जब भी एगो चीज एगो शब्द निकाला था ओकरा तो चाहना समझ जाय के जान जाय के और धीर मन से धीर मन से मतलब कि मन से जो चीज़ निकला था ऐसे ही नहीं बोलप सन बल्कि ओकर में धीरता डालप सन ओकर में सूझबूझ डालप सन और सूझबूझ का मतलब कि सोच समझ करके एगो चीज निकाले के कबीरदास के उ वैद से नहीं बाहर जाप जा कबीरदास एगो वाणी बोले रहल ऐसी वाणी बोलिए मन का खोई होरन हो। हो। को शीतल करे आपहु शीशीतल ये कबीर जो वाणी बोल ले बा वो वेद से एकदम मेल खाता जैसे हजा परी बा त वेद से और कबीर के जो वाणी हा ऊ तो एगो साधारण मतलब की भाषा में प्रयोग कर ले ताकि सब कोई समझ जाए एगो काव्य के रूप में कविता के रूप में लिख ले बा मैं हवे चीज बा हजा बोलता कि ऐसी वाणी बोलिए मतलब कि बोला था कि ऐसा वाणी बोले के कि मन के होई हो कैसन वाणी मतलब कि छनल वाणी वाणी जब कोई के पानी पहले पियावत है नदी के से ला करके तो करो छानल जाता तो यानि है तो देख यानी कि हैजा परी हम है गीतवा सुनने रही जब छोटा रही के गोपी में रह और ये गीतवा आज भी गाय ला लेकिन आज आवाज तक खराब तू बोल ला पर उस समय जो यानी कि कबीर भी एक वेद में से निकल ले हुई हाँ मतलब कि वेद के प्रचार तो सर्वत्र रहल हवे वेद के प्रचार हमने अपन भाषा में या लौकिक भाषा में जब दली सा, तो स हवे कई रूप से हमने प्रस्तुत सब में भाव हवे हतलब कि तितौना अर्थात जो छलनी ह सूझबूझ के जो छलनी ओकरा नहीं प्रयोग कर ता हमनी बहुत बड़ा हानि अपन आपके भी करप्सन और समाज के हजा जब बोलत हुआ कि अपन आपके हानि करबा या समाज के हानि करबा पर हानि से पहले, पहले इंसान आजकल जो बा मुनाफा हमने के कोई नाफा बा यदि ई चलनी के प्रयोग करके अपन वाणी के पवित्र बना जा। देखा जहाँ जहाँ शब्द के सही प्रयोग होल बा शांति और जोन धन समृद्धि वो बराबर बनल बा और जहाँ जहाँ देखिलसन की वाणी का दुरुपयोग होल बा, हौजा महाभारत हो गल बा जब द्रौपदी ऊपर से हंसले के रहा अंधा सर्फ मतलब कि जैसे चला था ऊच सोचल पानी बा में जहाँ पानी बा हो जा पानी नहीं बा और जहां पानी नहीं बा जा फर्श बा तर्श के समझ के मतलब कि सुलर्श में गा तम गो रख दिलक पानी में गिर गल ऊपर से हंस दिलक बता अंधे के पुत्र अंधा ही होता है मतलब कि जे ओकर बाप अंधा बा हाँ। बिटवो अंधा निकल गल, गल। मत मतलब ई वानी के दुरुपयोग रहल मतलब कि ह जोन वानी ह जब ओकरा दुरुपयोग करब त दूसर के जोन मन दूसर की जो स्थिति हम अनुस्थिति ओकरा बिगाड़ देवेला और हौजे से शत्रुता उत्पन्न हो याद करिया कि जितना शत्रुता उत्पन्न होल शब्द के प्रधानता बा तबे त माँ बोलिए कि बतुए जुन बा भात ख्या वेला, मुए भात ख्याव ला और मुँह खेल मुँह के कारण ढेर को से दुश्मनी बनाए मित्रता बनल रही और जहाँ मुँह बिगड़ गल त समझिए कि अपन आप के बिगाड़ दिल और जो सामने बा वो भी बिगड़ गल तिगड़ाव की जो स्थिति ह फैल जाए वह मनुष्य में दुश्मनी में यानी कि ये एगो लाभवताज ह जब तो हर वाणी में पवित्रता रही तो दोस्ती ज़्यादा कोई से रही आ, मित्रता ज़्यादा और, और और कोई नफा बा सम्मान मिले देख जब वाणी अच्छा रही और सुमधुर वाणी के और समझिए कि तोहर वाणी में एगो अनुशासन बा तो हर वाणी में मान्य जाए कि एगो मिठास बा मान्य जाए कि कोई के तनी आ, कड़क करके भी बोलत था तो हाउ हाउ जोन वाणीवा के प्रयोग कर ला अनुशासन बा से अनुशासन के पीछे भी एगो मिठास चाहला रह मतलब कि ऐसा एगो चीज़ नहीं कि जोन एगो वाणी निकालत हुआ तो अहंकार के विष रही जब वाणी में अहंकार के विष वो तो घायल ही नहीं करेला, बल्कि तबाह कर देवेला और व्यक्ति दोबारा उ व्यक्ति की ओर मुड़ करके भी नहीं देखेला तो इस स्थिति में कौन चीज़ होला कि व्यक्ति जोन जौन शब्द प्रयोग कर ले बा याद करिए कि हम सब कोई इंसान है सबके हृदय में भगवान के वास होला तब तो पश्चाताप करेला कि हमरा नहीं चाहत हर शब्द वाक्य प्रयोग करे के कब आ, ख्याल करेला कि हमरा नहीं चाहत ये प्रयोग करे के जब ओकर में बोध आवेला कि ओकरा पश्चाताप होला, अब देखेला कि हम अच्छा नहीं बोली और जब स्थिति में एगो चीज़ अच्छा नहीं बोली, तो का परिणाम बोले होला के भी भुगते के पड़ेला और जे सुन ले, ले जे घायल हो गल बा शब्द से उ जीवन भर घायल होते रह याद करिय कि हनिक थोड़ा सा घायल होन कि कबो कबो कोई के तीर से मरल सकेला उ बच भी जाए, पर जब एक बार जुबान से मरल व्यक्ति के उठे के तीन मुश्किल पड़ हाँ बहुत और समझिए कि हन बोली लासन सन कि सकी त सकी तुम तोहरा माफ़ कर दई और सकी त भूला जा माफ तो कर दे मैं कबो कोई भूला मतलब अंग, हाँ। can, हाँ। मतलब ला नहीं मतलब कि यू कैन फॉरगिव अंग्रेजी में बोला यू कैन फॉरगिव बट यू कैन फॉरगेट यू कांट फॉरगेट मतलब कि अरे जी हाउ घवा जो लगीला वो कहीं नहीं अच्छा होला हाल से देखा बस कि ये जब शब्द के जो प्रभाव है वो संस्कार बन करके जाला शब्द के प्रभाव में मतलब कि शब्द में इतना जबरदस्त प्रभाव है कि व्यक्ति के समझिया कि जीवन भर कबो उस शब्द के साथ परेला जिए के और बार बार उस स्थिति में अब ओकरा याद चल बस कि शब्द में एगो जबरदस्त प्रभाव कि संसार समझिए कि हमने जब उत्पन्न होल हहीं ज्ञान उत्पन्न होलबा त शब्द से होलबा न त शब्द कैसन भी होकर प्रभाव बड़ा ही अद्भुत ह चाहे अच्छा शब्द हो या बुरा शब्द हो लेकिन याद रखिया कि बुरा शब्द के जो प्रभाव हा, उ तो हर लक्ष्मी के नाश करेला और अच्छा शब्द के प्रभाव लक्ष्मी, लक्ष्मी अर्थात तो धन, अर्था धन समृद्धि समृद्धि सम्मान सम्मान जितना चीज हा, उ सब लक्ष्मी के अंतर्गत आवता तो हर श्री तो हर यश उक्री अंतर्गत आवता तो अब खराब खराब शब्द बोलब तोहर यश के नाश होला यश मतलब कि की तोहर कीर्ति के नाश होई और व्यक्ति तोहर बारे में बतियाई कि अमुक ऐसे रहल भले से उकर शरीर भी एक दिन नहीं रही मृत अवस्था में रही तब व्यक्ति बोली कि बहुत अच्छा होल कि ऐसे हो गल कि इतना ले शब्द के बुरा प्रभाव दल्ले बा समाज में कि व्यक्ति जोन ओकर चर्चा यदि करबो करी तो नकारात्मक भाव से मैं वो व्यक्ति जब ओकर सुमधुर वाणी रही और सबसे अच्छा व्यवहार होल बा पहला व्यवहार तो शब्द ही से होला कोई आई तो नमस्ते चारा बोले के आ। अब मानी जाए कि कोई के तोहर कोविड के समय बा तोहर मुंह में पट्टी बा नमस्ते भी कर ला, कोई सिर भी हिला दिलक त समझिए कि तुहर तो मान कर लगो हाथों उठा लेला ला हाँ। हमेशा अपन दोस्त से कैमरामैन के बोल लगू जब देखें तो हाथों नहीं उठा था। कम से कम एगो हाथ उठा ली जाप कि प्रेम मोहब्बत बनल बा हाँ, हाँ। ता इस स्थिति में ऐसे कि हमनी के नहीं चाना सोचे कि हाँ। कि व्यक्ति मुखौटा दिलेबा मतलब कि मास्क दलबा ओकर हाथ में कुछ बा और उ कोई ओकरा नमस्ते करलक और उ सिर झुका देलक और मन ही मन में या थोड़ा सा बोल के व्यक्ति जब नहीं सुनलक तब था कि हमारे नमस्ते के उंती भी नहीं, नहीं शब्द के प्रयोग हाँ, कि यदि हम के नमस्ते बोल ली हमके के कर लखा। एगो कहावत बा फ्रेंच में जो दिवत इस स्थिति में कोई भी नमस्ते करी ते नमस्ते मान लिया जाए कि ऐसा एगो परिस्थिति में हाथ नहीं सकल जोड़े हाथ में कुछ बा मुख में कुछ बा सिरवे हिलक और मन में ही बोल देलक नमस्ते त व्यक्ति के मान होल समझ अपमान नहीं होल कि व्यक्ति कहूँ जाता कैसे में बा थोड़ा सा सिरवे हिला देलक या थोड़ा हाथी हिला देलक त भले से उस शब्द निकल में भाव तुहर तो म्याल की तोहर सम्मान कर लग तू भी सिर तनी झुका दिल तब व्यक्ति हाथ नहीं जोड़ला नमस्ते कस के नहीं बोल त एक मतलब नहीं है कि उकरा मान नहीं कर स्थिति में जाने के कि ढेर कोई ऐसे होला कि एगो परिस्थिति में आके कोई के सखी दोष इस स्थिति में बोला था कि हमने जो शब्द कोई था ता कबो कबो हाँ बोले के जगह पर सिर हिला दिला सन एगो अभिव्यक्ति मैं जहाँ हाँ बोले के रही हौजा चाहे ल हाँ बोले के मैं जहाँ तोरा हौ परिस्थिति वा नहीं बनाता कि हाँ हाँ हर कुछ बोले के ता उस स्थिति में हमने अपन अभिव्यक्ति करी पर आचार्य जी हजा पर ही जानती जहाँ विषय काफी लंबा बा मंत्र भी लंबा बा, शायद आज के प्रोग्राम में से कब्जा पूरा करे क्या कि कैमरामैन भाई बोलता हथे कि ढेर मिनट बाकी नहीं बा बाईस मत है कि अभी अभी, अभी प्रोग्राम शुरू होल कैसे बता बोलते तीन मिनट बा। कोनो बात नहीं बा बाह जा रखब जा आवत प्रोग्राम में लेकिन तोर से ये पूछती कि आज देखा हमारे संगतिव जो बात है ए निमन जूता खोज रहा जो मॉरिशियस में नहीं मिले तो ऑनलाइन से जूता मंगवाई लख हाँ ऑर्डर दिलक हौजा से चलाल यानी कि आज दुनिया में कोनो ऐसा एगो चीज़ नहीं बा जो नहीं सकबा खरीजे तो हर लगे मुआइएँ बा रिसूस बा पैसा बा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सब कुछ बा आज दुनिया में सकबा कोनो भी भौतिक चीज़ के खरीदे पर वाणी कहाँ पर ही बेचाला सकब जा कि वाणी देखा वाणी तो भगवान के वो वरदान है नहीं बेचारा ये बेचारा नहीं और बस भगवान तोरा दे दे ले बा और एकरा प्रयोग करे के छाना जाने के और वाणी के यदि हमने निंदा में प्रयोग करब सन या कोई के चुगल खोर करके ओकरा गिराए खातिर वाणी के प्रयोग करत कर या निंदा में लगल भी वाणी के दोष है तब बोलता कि वाणी के दोष अर्थात निंदा चुगली या कोई के नीचे गिरा खातिर हजा से हौ्जा इधर के बात उधर करेगी स्थिति वा में कौन चीज होला कि भगवान तोरा एगो वाणी देले बा वरदान के रूप में बोलक तोरा अच्छा से प्रयोग करे छलनी दाल के प्रयोग करे के सूझबूझ जो हमने के छलनी हाला दाल के प्रयोग करे के और कोई के बारे में अनाप शनाप हमने के अधिकार नहीं है कोई के अनायास कोई के निंदा करे के हनिके अधिकार नहीं है बल्कि जहाँ तक हो सकी वाणी त सुधार के लिए वाणी त कल्याण के लिए हा। और यदि व्यक्ति चुगली से निंदा से और अन्य भाव से नकारात्मक भाव से अलग होकर के उस शब्द के प्रयोग करी त जान जाए के चाहेला कि व्यक्ति एगो सीधा रास्ता में जाता और जो भी परिणाम आगे निकली तो वो लिया अच्छा रही तो अभी देखा जैसे बहुत हुआ कि चुगली नहीं करके कि अब शब्द नहीं बोले के बुरा शब्द नहीं बोले के अब हमार संगतिया मानला कि मोटा हो गल बात अब वो हम देख के बैते एक खुबे जोली होवे त ई वानी जो दुष्प्रभाव हमारे पर पड़े कि अच्छा अच्छा काम मान जाए कि कोई के मोटा के मोटा बोलबा अंधा के अंधा बोलबा नहीं अच्छा वाणी के दुरुपयोग हो जा रहा कहे कि ओकरा उपहास करत हुआ एगो नमस्ते जब कोई के बोलबा दस कुत तो उन नमस्ते के उपहास हो जाला शब्द के भी उपहास हो जाला एगो व्यक्ति जैसे बा कभी कभी ओस नहीं बोले के खातिर बोलत है कि सूझ बूझ के अंधे को बोलेंगे कि ए अंधा त जो अंधा व्यक्ति ओकर दिल उक्रा, दुखाई उक्रा. चोट लगी और एगो व्यक्ति खूब मोटा बा और उपहास करत बोटा मोटा बोल करके ओकर दिल दुखाई पक्ष की देखा ना एगो एगो परिस्थिति में व्यक्ति कोई नहीं चाहेला हम अपने आप नहीं चाहते कि हम मोटा ऐप कबो हो जाला ओमोनाल हो जाला हाँ हाँ या कोई थे, थे, थे थे भी खुसा खाए हो तो इस स्थिति में कोई जैसन भी रही कबो कबो कोनो चीज यथार्थ बा तो उ के प्रयोग यदि हमने कर लेपसन तब तो कबो कबो वाणी के दुरुपयोग हो जाला और जहाँ तोहरा सच्चाई बा बोले के और और तोहरा तोहर से निवेदन करल जाता कि पूछल जाता कि व्यक्ति के हाव भाव उसका रूप कैसे रहल, तो हौजा समझे कि एगो सत्य सुनावत हुआ तो उस सत्य के एगो रूप में प्रस्तुत करत हुआ ताकि सत्यता और यथार्थता सामने आई तब उ यथार्थ के प्रयोग करब सत्यता के प्रयोग करब सही रहे अच्छा आचार्य जी हाथ जोड़ के मधुर वाणी में तौर तो से हम मांग है कि के आवत कार्यक्रम में हम जारी रखब जा कहे कि समय जोन बाकी जब भी आवेला समय जल्दी हाल ही निकल जाला आज आइला अटर्जो धन्यवाद तोरा बहुत बहुत धन्यवाद और जितना श्रोता लोग बा और दर्शक लोग, बा, उन लोग के भी धन्यवाद और जोन मंत्र बा सक्तु मेवती त ऊना जहाँ से प्रारंभ होला एक, एक, एक फिर से धीरे धीरे एक एक शब्द पर समझाए के प्रयास करप सन तब तक के लिए धन्यवाद तब भाई बहन लोग आज के वेद की शिक्षा है और आज तू सीख कि नहीं सीखल बह लेकिन हम बहुत अच्छा बात ली कि तो हर वानी के चना चाल के तब ओके निकाले के और वाणी के चलनी जोन हा वो है ज्ञान यानी कि नॉलेज और नॉलेज जोन बागबा अपने आप ग्रहण करे और जब वो भी बात करबा कोई के चोट नहीं दिया कब खेल खेल में भी कोई मजाक में भी को ने को बानी बोल दिला कि जर कोई के चोट लग गल और उ जो चोट हा आह बन के निकल ला और वो से बोल ला जा कि हम के कर्मा जो बात है वो गलत हो जाला पर ढेर कोई हमारे भी पूछ ले बा कि वेद में कर्म के बारे में कुछ बोला गल बा कर्मा के बोल जा सीक्रेट ऑफ कर्मा ता ये आचार्य जी एगो प्रोग्राम लेके आओ अब जा, जा कि वेद में कर्म के बारे में कौन चीज़ कहल गल बात आज खातिर इतना ही पूरी टीम के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करजोड़ धन्यवाद नमस्ते मिलब जा बहुत जल्द शुभरात्रि सभितुर्वरेण्यं फल्को देवस्य धीमहि त्रियो यो न प्रचोदयात्